करीब 2 साल पहले मैंने भारत के शक्ति प्रोसेसर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। आज वो वीडियो मोस्ट व्यूड वीडियो है शक्ति प्रोसेसर इस टॉपिक के ऊपर। 2 साल से काफी सारे अपडेट्स आए हैं, इनफैक्ट एक नया प्रोसेसर भी उनसे लॉन्च हुआ है। आज उनके बारे में सब कुछ जानेंगे और उस वीडियो का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन कि ये फोन में कब आएगा उसे भी आप जान लोगे। तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे शक्ति प्रोसेसर के अपडेट्स के बारे में। पिछली बार की तरह ही मैंने इस बार भी नील गल्ला सर से बात की, जो उस टाइम टेक लीड हुआ करते थे शक्ति के और आज सीटीओ को फाउंडर है इनकोर के। इनकोर वो स्टार्टअप है जो शक्ति से निकला, उस ग्रुप से। जंप नहीं करता हूं मैं आपको उस वीडियो का ब्रीफ देता हूं क्योंकि सबको याद नहीं होगा। शक्ति प्रोसेसर के 3 मेन कोर क्लासेस है, मतलब ई क्लास, सी क्लास, आई क्लास, ये 3 कोर वेरियंट है। जो ई क्लास है वो एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए। एम्बेडेड एप्लीकेशन क्या है समझाता हूँ, 1 मिनट दो मेरे को। हमने ये प्रोसेसर एक्चुअल फैब्रिकेटेड देखा, 2 वेरियंट थे इसके, रिमो और राइस क्रिक। एक जो है वो इंटेल ने हेल्प किया था हमें 22 नैनोमीटर पे नोड पे बिल्ड करने के लिए, और जो राइस क्रिक था वो हमने इंडिया में ACL चंडीगढ़ में बिल्ड किया था 180 नैनोमीटर पे। अब फॉर सम रीजन काफी लोग ये 180 नैनोमीटर वाली चीज पे जोक कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ओल्ड नोड है, पर कुछ पॉइंट नहीं है जोक करने का। अगर वो नीड सेटिस्फाई करता है तो काम कर रहा है। काफी सारे इंपॉर्टेंट चिप्स बिल्ड हुआ है इस नोड के ऊपर, और शायद इंडिया भी एक 60 या 50 कुछ नैनोमीटर का नोड प्लान कर रही है बिल्ड करने का, जो मोस्ट नीड सेटिस्फाई कर देगा इंडिया का। एनीवेज, ये जो है वो फ्री आटोस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन कर सकते हैं एकदम लाइट वेट। अभी एम्बेडेड मतलब क्या, एम्बेडेड ऐसे एप्लीकेशंस है जिन्हें बहुत प्रोसेसिंग पावर की जरूरत नहीं है, एकदम लो पावर सिस्टम्स। जैसे आपका गेम पैड ले लो, जो जॉयस्टिक वगैरह है, उन्हें थोड़ी i3 i5 की जरूरत है, उन्हें एक छोटा प्रोसेसर चाहिए जो बस एक रियल टाइम उनके कैलकुलेशंस कर पाए। या आपकी वॉशिंग मशीन ले लो, या ऐसा आपका ओवन ले लो, वैसे चीजों को एकदम हाई पावर प्रोसेसर्स की जरूरत नहीं है, एकदम लो पावर सिंपल CPUs चल जाएंगे। और वो मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है अपने मोबाइल फोन के प्रोसेसर या अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर के मार्केट से, क्योंकि वो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है उनकी। तो शक्ति का बेस्ट बेट है एम्बेडेड मार्केट के ऊपर अगर ग्रो करना है तो इनिशियली। तो ये हुआ एम्बेडेड। उसके बाद आता है सी क्लास कोर। सी क्लास कोर जो है वो ज्यादा पावरफुल है, वो फोन्स पोटेंशियली फोन्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो करीब 1.6 GHz तक जा सकते हैं। जब मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था तभी सी क्लास रेडी नहीं था, पर अभी है। इनफैक्ट जो स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर चैलेंज हुआ था गवर्नमेंट का, उसमें भी सी क्लास कोर अवेलेबल था, और सी क्लास जो है वो लिनक्स रन कर सकता है। अभी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है ई क्लास कोर या सी क्लास कोर के साथ तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, स्पेशली अगर आपके पास कंपेटिबल FGPA जो फील्ड गेट प्रोग्रामेबल अरे जो बोर्ड है, तो आप ये शक्ति ई क्लास और सी क्लास को एमुलेट कर सकते हो उसके ऊपर। तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको और जानना है तो, और दूसरे लिंक्स भी मिल जाएंगे, आगे से मेंशन नहीं करूंगा। तो आप अभी शक्ति का SDK वगैरह सब कुछ रेडी है, वो बहुत मैच्योर हो चुका है सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, और एज यूजुअल शक्ति का ट्रेडिशन में सब कुछ ओपन सोर्स है। अभी आते हैं आई क्लास के ऊपर। आई क्लास एक बीस्ट है। आई क्लास जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल कोर है ऑलमोस्ट कंप्यूटर कंप्यूटिंग या लैपटॉप कंप्यूटिंग के लिए। ये करीब 2.5 GHz तक क्लॉक कर सकता है। अब ये रेडी नहीं है जब मैं ये वीडियो अपलोड किया तभी तो, पर मे बी ईयर एंड या अगले साल तक आई क्लास कोर रेडी हो जाएगा, तो वो भी अवेलेबल होगा। सेम चीज विद पैराशक्ति। पैराशक्ति भी मैंने मेंशन की थी, पैरेलल शक्ति, बट वो अभी थोड़ा ज्यादा रिफाइन हुआ है। तो इन्होंने एज ऑफ नाउ इस वीडियो के अपलोड डेट तक मल्टी कोर वेरिएंट्स टेस्ट नहीं किया है, बट नील सर बोल रहे थे कि पॉसिबल है कि तुम लो पावर कोर जैसे ई क्लास और हाई पावर कोर जैसे सी या आई क्लास को ऐसे क्लस्टर करके एक बिग लिटिल आर्किटेक्चर बना सकते हो। एनीवेज, इनके मल्टीकोर के वर्जन्स है पर जैसे एम क्लास, एस क्लास और एच क्लास। एम क्लास जो है वो सी क्लास आई क्लास का कॉम्बिनेशन होगा, मैक्सिमम 8 कोर्स, मोस्टली मोबाइल ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी के लिए। एस क्लास जो है वो फुल ऑफ आई कोर्स होगा, और ये ज्यादा कंप्यूट एंटरप्राइज सर्वर्स या लैपटॉप वैसे कुछ उसका यूज होगा, करीब मैक्स 4 कोर शायद। और एच क्लास जो है वो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, आई थिंक यही पैराशक्ति है। तो इन सबको टाइम है, पर देखो 3 या 4 साल हुए इस चीज को और ऑलरेडी इतनी सारी मेच्योरिटी दिखाई दिए इनमें। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बहुत पहले स्टार्ट हुआ रहेगा, पर ये जो स्पीड से चल रहे हो काफी अच्छा है, और आई एम श्योर अगले 2-3 साल में हमें मल्टीकोर वेरिएंट्स पब्लिकली देखने मिलेंगे। एनीवेज, मैं दे दूंगा अपडेट जब भी आएगा तभी, सब्सक्राइब करो तो मल्टीकोर दिखेंगे हम लोग। अभी आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल के ऊपर, ये फोन पे कब देखने मिलेगा। अभी इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हर चीज के अंदर। देखो, फोन को बस CPU की जरूरत नहीं होती है। शक्ति जो है ECI ये सब CPU क्लास कोर्स है, राइट, कंप्यूट कोर्स। CPU के बजाय बहुत चीजें जरूरी है।
अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू आपका कंप्यूट करेगा, आपके थ्रेडिंग वगैरह हैंडल करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा सब थ्रेड्स का। सीपीयू के बजाय आपको एक फोन में, ये जो भी एग्जांपल दूंगा सब फोन से रिलेटेड होंगे, एक जीपीयू की जरूरत पड़ सकती है। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। तो अगर आपको ज्यादा हैवी 3D एप्लीकेशंस वगैरह रन करने हैं तो आपको एक डेडिकेटेड प्रोसेसर लगेगा उस चीज के लिए। आपको एक डीएसपी की जरूरत पड़ सकती है, यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। अगर आपका फोन ऑडियो वीडियो फाइल्स प्रोड्यूस प्रोसेस करने वाला है, फाइल्स प्रोसेस करने वाला है, तो आपको डीएसपी की जरूरत पड़ेगी। आपका डीएसपी जो है वो रॉ डिजिटल सिग्नल्स लेता है और उन्हें प्रॉपरली एनकोड या डिकोड करके स्टोर करता है या आउटपुट करता है, डिपेंड करता है, टू वे फंक्शन है डीएसपी का। उसके बाद अगर आपके फोन में कैमराज है तो उसको एक आईएसपी लगेगा, यानी इमेज सिग्नल प्रोसेसर। आपने देखा ही होगा तो रिसेंटली क्वालकॉम के लेटेस्ट प्रोसेसर में उन्हें शो ऑफ किया था ट्रिपल आईएसपी। तो वो ऐसा आईएसपी है जो 3 कैमरा स्ट्रीम्स पैरेलली एक साथ हैंडल कर सकता है। तो ये सब भी लगेगा एक फोन के प्रोसेसर में, एक अच्छा आईएसपी लगेगा जो इमेज सिग्नल्स प्रोसेस कर सकता है। रैम बिल्ट इन लगेगी। हमारे लैपटॉप्स में या पीसी में आप देखा रहेगा रैम सेपरेट होता है मदरबोर्ड पे। फिर उसके बजाय और भी चिप्स लगेंगे, जैसे आपके सिक्योरिटी कंट्रोलर्स हो गए, लोकेशन कंट्रोलर्स हो गए। आजकल के सीपीयूज में, आजकल के चिप्स में डेडिकेटेड न्यूरल इंजन या एआई प्रोसेसर होते हैं। तो ये सब ऐसे एक पैकेज में होना चाहिए जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑन अ चिप, SoC। ये वर्ड सुना रहेगा आपने। और ये क्वालकॉम के जो भी स्नैपड्रैगन 888 या मीडियाटेक का डिमेंसिटी 1200 वगैरह, ये सब SoC है। मतलब ये सीपीयू के बजाय भी काफी सारे और टूल्स या कंट्रोलर्स रखते हैं उस चिप पैकेज में जो ये सब हैंडल करता है। अब ये पूरे SoC को तो बनाना पड़ेगा उन्हें। अब डिपेंड करता है, SoC के बाहर काफी सारे इंपॉर्टेंट चिप्स होते हैं, जैसे आपका टच का कंट्रोलर हो गया। तो पॉइंट क्या है मेरा ये सब एक्सप्लेन करने का, पॉइंट ये है कि शक्ति को पूरा ये इकोसिस्टम डेवलप करना होगा उनके आर्किटेक्चर के ऊपर, जो है RISC-V के आर्किटेक्चर के ऊपर। अब नेसेसरी नहीं है कि शक्ति हर एक चीज डेवलप करे, मे बी कुछ चीजें वो दूसरों से ले सकती है, पर शक्ति का पूरा आप ये देखो, मंत्रा देखो या फिलोसॉफी देखो, तो इट्स अबाउट ओपन सोर्स। तो जो भी वो बनाते हैं वो ओपन सोर्स करते हैं। तो काम चल रहा है इसके ऊपर। जब भी ये होगा तभी रेडी होगा वो फोन्स के लिए, बट जो भी है काम चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो कब देखने मिलेगा हमें फोन पे पता नहीं, मे बी 3 years 4 years, देखते हैं। अभी आते हैं सिस्टम ऑन चिप के ऊपर, इस नए प्रोसेसर के ऊपर। तो शक्ति ने रिसेंटली अनवील किया मौशिक। मौशिक एक सिस्टम ऑन अ चिप है। अभी काफी सारे मीडिया आउटलेट्स ने इसे एज अ नया प्रोसेसर कवर किया है, ऑल्दो वो नया प्रोसेसर नहीं है। मैंने भी वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि ये नया प्रोसेसर है, क्योंकि अगर तभी मैं बोलता कि ये नया SoC है तो मोस्ट ऑफ द लोग कंफ्यूज हो जाते। अभी ये एक नया सिस्टम ऑन अ चिप है उनका, विच यूजेस E-क्लास, जो शक्ति का E-क्लास कोर है वो इस्तेमाल करता है। और इसके अंदर मेमोरी कंट्रोल्स वगैरह और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे वो सब पार्ट्स है इस SoC के। और ये मोस्टली एम्बेडेड एप्लीकेशंस, आर्डिनो टाइप एप्लीकेशंस के लिए भी बना है। इनफैक्ट इन्होंने एक नया मदरबोर्ड भी डेवलप किया इसके लिए, कॉल्ड आर्डिनिक्स 1.0, और इसके साथ आर्डिनो कंपैटिबल हेडर्स वगैरह आते हैं। तो ये है फिलहाल मौशिक। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है मौशिक के बारे में, जब इसका फर्स्ट बूट हुआ तो हेलो वर्ल्ड की जगह इसने नमस्ते वर्ल्ड प्रिंट किया। जो कंप्यूटर फील्ड में नहीं है उन्हें इसका सिग्निफिकेंस नहीं समझेगा, बट एनीवेज आई होप आपको मजा आया इस वीडियो में, इस अपडेट में। अगले साल एक और अपडेट करेंगे, मे बी अगले साल देखते हैं। हो सके तो मेंबर बन जाओ प्लीज, ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद जय भारत। स्पेशल थैंक्स टू कार्तिका देवाल, बुटला चैतन्य, जयम शर्मा, रोहित सुवर्ण, हरमन संघा, नारायण प्रसाद, सुमित रंडा, हिमांशु शंकर, गौरव बजाज, गगनदीप भाटिया, सिद्धार्थ कृष्णन, सचिन यादव, कुशवी मेहता, आकाश पटेल, एक एनोनिमस, तन्मय देशपांडे, विक्रम वर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, निशन कुमार, प्रिंस बंसल, विनय अग्रवाल और प्रीतम, सब मेंबर्स को बहुत शुक्रिया।